सो गाइज, आज हम बात करेंगे ऐसे 10 बिजनेस आइडियाज़ जो आपकी स्टूडेंट लाइफ थोड़ी बेहतरीन बना दे, थोड़ी इंटरेस्टिंग बना दे, थोड़ी क्रिएटिव बना दे। अगर आपके घर से, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके घर से पॉकेट मनी बहुत ही कम मिलता है और वो अपनी पॉकेट मनी बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए ऐसे 10 बिजनेस आइडियाज़ ला रहा हूँ। तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहेगी आपके लिए। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल शुभम टॉक। और इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहेगा। एंड स्पेशली वो स्टूडेंट जिनके घर से पॉकेट मनी बहुत ही कम मिलती है और वो अपनी पॉकेट मनी इंक्रीज करना चाहते हैं, तो ज़रूर देखिएगा ये पूरी वीडियो। तो आइए हम चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। पहला टॉपिक है हमारा यूट्यूब पर्सनैलिटी, मीन्स यूट्यूब क्रिएटर। मीन्स कि आप यूट्यूब पे वीडियो बना कर डालिए और आपका अगर वीडियो और कंटेंट, वीडियो का जो कंटेंट है वो अगर आप अच्छा रहा, तो ट्रस्ट में गाइस बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा एंड इससे आपकी अर्निंग बहुत ही अच्छी होती है यूट्यूब से। अगर आपके टॉपिक्स, अगर आपके कंटेंट मीनिंगफुल है, तो सीरियसली गाइस ट्रस्ट में बहुत ही अच्छा कंटेंट, सॉरी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स इस पर मिलेगा आपको। तो एक बार आप ट्राई करना है। अगर आपको यूट्यूब बनाने में अगर कोई प्रॉब्लम हो, चैनल क्रिएट करने में कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना एंड मुझसे पूछ लेना, मैं ज़रूर उस पर वीडियो भी बना दूंगा आपके लिए। हम बात करते हैं अपने दूसरे टॉपिक जो कि है फ़ोटोग्राफ़र, इवेंट फ़ोटोग्राफ़र। अगर आपको अच्छी फ़ोटो क्लिक करने आती है और आप अच्छे फोटोग्राफी करते हो, तो ट्रस्ट में गाइज ये भी बिज़नेस आपके लिए बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके लिए। इसमें भी बहुत अच्छी कमाई की जा सकती है। लाइक आप अपने कॉलेज इवेंट में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप किसी शादी में जा रहे हो, इससे भी अच्छी कमाई हो सकती है। गाइज अब हम चलते हैं अपने तीसरे टॉपिक की तरफ जो कि टूर एंड गाइड है। टूर एंड गाइड बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस है, इसमें भी अच्छी कमाई की जा सकती है। बट इसमें अगर आपको इंडिया की हिस्ट्री पता है, आप जिस जगह पर रहते हो आप वहाँ की हिस्ट्री जानते हो, तो ट्रस्ट में गाइज ये भी बिज़नेस बहुत ही अच्छा है साइड बिज़नेस आपके लिए। इसमें भी अच्छी खासी कमाई होती है। इसमें सबसे मेन पॉइंट है कि आपको उस जगह की नॉलेज होनी चाहिए। एंड बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो जिनको बहुत नॉलेज होता है उस जगह की, इंडिया की हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्ट होता है उनको पढ़ने, तो वो ये काम कर सकते हैं। अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो सीरियसली इनके लिए बहुत अच्छा बिज़नेस है, ये भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसमें भी अच्छी खास। सो गाइज अब हम चलते हैं अपने फोर्थ टॉपिक की तरफ जो कि ट्यूशन से रिलेटेड है। अगर आपको ट्यूशन पढ़ाना अच्छा लगता है, तो ये भी बहुत ही अच्छी बिज़नेस है, साइड बिज़नेस है। जैसे आपको किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो, लाइक वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, आप पर्सनल लेवल पे जाके आप ट्यूशन दे सकते हो। इसमें भी अच्छी खासी कमाई की जाती है। इंटरेस्ट में गाइस इसमें तो बहुत ही अच्छी खासी कमाई है। आप लाइक अपनी कोचिंग खोल लो, लाइक आप 10 to 20 or 15 स्टूडेंट्स को आप पर्सनल बुलाकर आप पर्सनल लेवल पे ट्यूशन आप ट्रेन कर रहे हो, तो ये भी बहुत ही अच्छा साइड बिजनेस है आपके लिए। सो गाइस अब चलते हैं हम अपने फिफ्थ टॉपिक जो कि फिफ्थ बिजनेस आइडियाज, वो है स्पोर्ट्स कोच। आप स्पोर्ट्स ट्रेनर, मीन्स आपको किसी भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो, लाइक क्रिकेट हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, बास्केटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, किसी भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट हो, किसी भी स्पोर्ट्स में आपको इंटरेस्ट हो, तो आप उसमें अपने कॉलेज में या आसपास के क्लब में जाकर आप एक स्पोर्ट्स कोच बन सकते हो। इसमें भी अच्छी खासी कमाई है, ये भी आपके लिए एक साइड बिजनेस बहुत, एंड इसमें आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। गाइज अब चलते हैं अपने सिक्स बिजनेस आइडियाज़ की तरफ, वो है ग्राफिक डिज़ाइनर। ग्राफिक डिज़ाइनर, अगर आपको, आपके पास डिज़ाइन स्किल है, तो आप ग्राफिक डिज़ाइन भी कर सकते हैं वो काम। ये भी साइड बिज़नेस बहुत ही अच्छा है, इसका भी ये भी प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइन का स्किल आपके पास है, तो आप इसमें लोगो डिज़ाइन कर सकते हो, आप इसमें ग्राफिक डिज़ाइन का काम कर सकते हैं, आप इसमें ब्रांडिंग एलिमेंट और इसमें आप अदर डिज़ाइन फॉर
क्लाइंट्स कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो इसमें, आपको डिज़ाइन आने चाहिए, इसके स्किल आपके पास होनी चाहिए। अब हम चलते हैं अपने सेवन्थ बिजनेस आइडिया की तरफ, वो है लॉन्ड्री सर्विस प्रोवाइडर। ट्रस्ट मी गाइस, ये बिज़नेस भी बहुत ही बेटर है, बहुत ही अच्छा है, बेटर तो मैं नहीं कहूँगा, बहुत ही अच्छा है। इसके भी प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, बिकॉज इसका इस पर ध्यान बहुत कम लोगों को जाता है, खासकर स्टूडेंट्स का। तो आप कॉलेज में हो तो वहाँ ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप सर्विस लॉन्ड्री सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। तो गाइज, अब हम चलते हैं अपने एट्थ बिजनेस आइडिया की तरफ, वो है चाइल्ड केयर टेकर। खास ये इंडिया में लड़कियों के लिए, क्योंकि इंडिया में लड़के तो नहीं, बट हाँ लड़के भी कर सकते हैं। एंड आपको शायद ना पता हो, चाइल्ड केयर टेकर का आप फ्रेंचाइजेस भी ले सकते हो। इसमें बहुत से फ्रेंचाइजेस भी हैं जो चाइल्ड केयर टेकर चलाता है। अगर आप अपने सारे काम से फ्री होकर, आप थोड़ा आपके पास टाइम बचता है, तो आप ये भी काम कर सकते हो। ट्रस्ट मी गाइस, इसमें भी अच्छी इनकम होती है। अब हम चलते हैं अपने नाइन्थ बिजनेस आइडिया की तरफ, वो है म्यूजिशियन। लाइक अब आपके पास टैलेंट है, आप अच्छा गाते हो, आप अच्छे सिंगर हो, तो ये भी प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। एंड इसमें भी आप अच्छा इनकम कर सकते हो। आप ये अपनी वीडियो बनाकर आप यूट्यूब पे डाल सकते हो। ट्रस्ट मी गाइस, इसमें भी अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं, इसमें भी आप अच्छे इनकम कर सकते हो। एंड अब हम चलते हैं अपने टेंथ और लास्ट बिजनेस आइडिया पे, वो है क्लॉथिंग डिज़ाइनर। अगर आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है मेरे जैसा, जो कि मेरा नहीं है, बट मैं मजाक कर रहा था, एक्चुअली आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी है तो ये प्लेटफॉर्म भी आपके लिए अच्छा है। इसमें भी बहुत अच्छा स्कोप है एंड इसमें बहुत अच्छा आप इनकम कर सकते हो। ट्रस्ट मी गाइस, ये आप ज़रूर ट्राई करना अगर आपके पास ड्रेसिंग सेंस अच्छा है तो। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड और फैमिली से ज़रूर शेयर करें। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शुभम टॉक। टिल देन, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।